हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर रिव्यू। आज बात करेंगे फ्रेंड्स द मदर मूवी के बारे में। मूवी अच्छी है कि नहीं है, हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द मदर मूवी फ्रेंड्स, आप नाम से ही समझ जा रहे होंगे एक मदर के बारे में मूवी बनी है। और इस मूवी में क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ये एक हॉलीवुड मूवी है फ्रेंड्स। इस मूवी में जिनकी बेबी किडनैप हो जाती है और वो बेबी कैसे होती है उनकी और क्यों होती है, मतलब इस सब के बारे में हमें पता चलेगा फ्रेंड पिक्चर देख के। अभी आपको कुछ भी बता दूंगा तो मज़ा आपको ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये बता देता हूँ कि आपको टाइम इन्वेस्ट ना हो और अब आप अच्छे अच्छी मूवी का आनंद लें फ्रेंड्स। मेरा मेन टारगेट यही है फ्रेंड्स कि आप अच्छी मूवी का आनंद लें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। इस मूवी में फ्रेंड्स हीरोइन का जो अपनी मेन एक्टर हीरोइन है उनका एक बेबी रहता है जो गायब हो जाता है। और वो बेबी कैसे होता है, क्यों होता है और होने के बाद उनके पीछे इतने बड़े बड़े पावरफुल लोगों का मतलब हाथ क्यों है, उनके पीछे क्यों पड़े हैं, मतलब इंटरेस्टिंग मूवी है फ्रेंड्स। मूवी फ्रेंड्स आपको एक्शन भरपूर मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा फ्रेंड्स कि रियल में एक मदर का पावर क्या होता है और एक माँ क्या कर सकती है। मतलब मूवी मतलब बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल मूवी को देख सकते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स मूवी देखने में कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मुझे मूवी देखने में अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी, स्टोरी भी अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स इस मूवी के मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।